नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, संस्कृत पैडागोजी, संपूर्ण संस्कृत पैडागोजी एकमात्र वीडियो में समाहित की जाएगी। साथियों, यदि आप थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है आपने, तो साथियों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं वादा करता हूँ आपको संस्कृत पैडागोजी से इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आप सभी लोगों से कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये रही इंडेक्स, इसमें से आपको संस्कृत पैडागोजी में पढ़ना है भाषा कौशल, भाषा अधिगम एवं भाषा अधिग्रहण, बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम, भाषा विकास, अधिगम अक्षमता, कहानी कथन और कविता। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ने हैं वह सभी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, जिसको देख करके या आप डायरेक्ट हिट करें, डायरेक्ट देखें कि ये विकल्प आ गया है आंसर में और आपका वह राइट आंसर होगा। मैं आपको वह शब्द भी बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। तो फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा के कठिन शब्द कौन कौन से कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ क्या हैं, प्रश्न को जो कि प्रश्न को आपको समझने में सरलता महसूस करवाएंगे, सहजता महसूस करवाएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि संस्कृत का जो पेपर आता है वो संस्कृत भाषा में ही आता है, तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों को, स्टूडेंट्स को सीटेट की जो भाषा होती है संस्कृत की, उसको पढ़ने में अत्यंत कठिनाई आती है। तो उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी बहनों के लिए मैं लेके आया हूँ संस्कृत भाषा के उन कठिन शब्दों का, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कठिन शब्द जिनको पढ़कर के आप समझ जाएंगे। जैसे नास्ति माने नहीं है होता है, अस्ति माने है, या समार्चीन मतलब क्या है, अबार्चीन मतलब क्या है। तो इन सभी शब्दों को लेकर आए हैं। साथ ही साथ साथियों, मैं उस सीरीज में ये भी कवर करूँगा कि शब्द रूप, धातु रूप, कौन कौन से शब्द रूप से आपके संस्कृत पैराग्राफ जो 15 नंबर के आते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं आपके संस्कृत पैराग्राफ के, दो पैराग्राफ आपको सॉल्व करने होंगे। उसमें शब्द रूप से एक प्रश्न बनेगा, एक धातु रूप से प्रश्न बनेगा, प्रत्यय से एक प्रश्न बनेगा, समास से एक प्रश्न बनेगा और संधि से एक प्रश्न बनेगा। तो साथियों, इतना यदि आपने सिलेबस पढ़ लिया मेरे भाइयों, तो आपका सीटेट संस्कृत पैडागोजी और संपूर्ण संस्कृत में से 30 में से 28 नंबर आना अनिवार्य है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, कहाँ पे ले चलता हूँ, संस्कृत की पैडागोजी की तरफ। सबसे पहले चर्चा करते हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र की। तो संस्कृत शिक्षण शास्त्र में सबसे पहला टॉपिक है भाइयों भाषा कौशलम। भाषा कौशलम पहला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, भाषा कौशल चार प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जैसा कि आपने हिंदी में देखा होगा। लेकिन 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 मेरे भाई, जो भाषा कौशल संस्कृत में है उसको अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन से वे नाम हैं, श्रवणम, संभाषणम या पठनम और लेखनम। श्रवणम लिख के आए तो समझना सुनना की बात हुई है, और संभाषणम लिख के आए या वाचनम लिख के आए तो समझ लेना बोलना की बात हुई है, और पठनम तो आप समझ गए पढ़ने की बात हुई है, और लेखनम लिख के आए तो लेखन की बात हुई है। तो भाषा कौशल संस्कृत में मेरे भाई चार होते हैं, श्रवणम, संभाषणम, वाचनम, पठनम और लेखनम। अब प्रश्न एक बनेगा आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से, पिछली बार आया था, इससे पिछली बार आया था, इन सभी से प्रश्न बनते हैं। किस तरीके से प्रश्न बनते हैं कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रहणात्मक कौशल हैं। तो प्यारे भाइयों, आप सोचो कि कौन कौन सी चीज को हम, कौन कौन से कौशल को हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैं आपको भी समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ईयरफोन लगा करके या माइक से सुन रहे होंगे, श्रवणम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, पठनम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ करके और सुन करके चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। और साथियों, जो चाह है, चाह का मतलब होता है और, चाह का अर्थ होता है और। वहीं साथियों, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है, हिंदी में लिख के आएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पाद कौशल, दोनों भैया एक ही होता है। क्या होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, क्या होता है,
तो प्यारे भाइयों, अभिव्यक्त कौन से ऐसे कौशल हैं जिसके द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने, इस संस्कृत पैडागोजी को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, संभाषण कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और जो पेन चल रहा है ये लेखनम कर रहा हूँ। तो अपनी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना अभिव्यक्त कहलाता है। तो आपको पता चला कि ग्रहणात्मक कौशल है श्रवणम और पठनम, और अभिव्यक्तात्मक कौशल है संभाषण और लेखनम। यहाँ से प्रश्न बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और साथियों, सभी भाषा कौशलम अंतः संबंधित होते हैं, जितने भी भाषा कौशल हैं ये सारे के सारे अंतः संबंधित होते हैं। यदि आपसे कभी भी लिख किया है सभी भाषा कौशल अंतः संबद्धता अस्ति, तो आप समझिएगा भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, चाहे श्रवणम हो, संभाषणम हो, लेखनम हो और पठनम हो, सारे के सारे कौशल जो होते हैं प्यारे भाइयों, ये सारे अंतः संबंधित होते हैं। भाषा जो होती है वह क्रम से नहीं सीखी जाती, जब अंतः संबंधित हो गया तो क्रम से नहीं सीखा जाएगा। साथ ही साथ साथियों, कि सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन से होते हैं, यदि आपसे कोई प्रश्न कर दे कि सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन से होते हैं, तो आप कहिएगा सूक्ष्म पेशीय कौशल वे कौशल होते हैं जिसमें हमारी उंगलियों को, उंगलियों और हाथों की पूरी सारी उंगलियों का इस्तेमाल हो। तो आप देखते हैं, जैसे मैं अपना नाम विवेक लिख रहा हूँ, तो विवेक लिखने के लिए हमको उंगलियों की चलाने की आवश्यकता पड़ी, तो इससे हो गया सूक्ष्म पेशीय कौशल हमने कौशल किया है। अब देखते पठन समय क्या, पढ़ने के समय लिखा होगा पठन समय आवश्यकतम, तो जिस विकल्प में लिखा हो अर्थावोध, पढ़ने के समय सबसे ज़्यादा आवश्यक कोई वस्तु, कोई चीज, कोई तत्व होता है, तो वह होता है अर्थ का बोध करना, अर्थावोध। अब आती है बात कि श्रवण वाचन कौशल का विकास, श्रवण वाचन कौशल का विकास आप किस तरीके से करते हैं? तो भाइयों, श्रवण वाचन कौशल का विकास हम अभिनव द्वारा, एक्ट द्वारा या संवाद द्वारा करेंगे। श्रवणम का यानी सुनने का और बोलने का जो कौशल है, इसका विकास हम करेंगे अभिनव और संवाद के द्वारा। प्यारे साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस एकमात्र वीडियो को आपने देख लिया, उसके बाद आपको संस्कृत पैडागोजी पढ़ने की कहीं से आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भाषा अधिग्रहणम, यानी कि भाषा को अर्जन करना। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में आपने भाषा अधिग्रहण को, भाषा अर्जन को पढ़ा, सेम टू सेम यहाँ भी है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वहाँ पर जो भाषा अधिग्रहण है या भाषा अर्जन है वो हिंदी में लिख के आएगा और यहाँ संस्कृत में लिख के आएगा। मातृभाषा ही भाषा अधिग्रहण है, जो मातृभाषा है वह भाषा अधिग्रहण है। समाज द्वारा भाषा अधिग्रहण किया जाता है, समाजः लिख के आए, समाजम लिख के आए, समाजेन लिख के आए, समाज लिख के आ गया, आप समझ जाइए कि भाषा अधिग्रहण की बात हुई है। फिर भाषा अधिग्रहण का अनुकरण करना, अनुकरित, अनुकरित की जाती भाषा अधिग्रहण जो है, अधिग्रहणम है या भाषा अर्जन है, भाषा अधिग्रहण आपके लिख के आएगा, तो अब भाषा अधिग्रहण अनुकरण किया जाता है। और भाषा अधिग्रहण सहज भवति, भवति मतलब होती है, भाषा अधिग्रहण जो होती है वह बहुत ही सहज होती है, और भाषा अधिग्रहण अनौपचारिक होती है, मतलब कि इसके लिए विद्यालय, पाठ्यक्रम, अध्यापक की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी किसी भी माध्यम में, वातावरण, समाज द्वारा, परिवार द्वारा सीखी जा सकती है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि भाषा अधिग्रहण जो है वह आती है, भाषा अधिग्रहण जो आती है वह परिवार, समाज, वातावरण से आती है। अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो आप नेक्स्ट टॉपिक है कि भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, पढ़ा आपने भाषा अर्जन, अब पढ़ते हैं भाषा अधिगम। तो भाषा का अधिगम विद्यालय द्वारा होता है, भाषा का अधिगम औपचारिक तरीके से किया जाता है, भाषा का अर्जन द्वितीय भाषा या मानक भाषाएं द्वारा होता है, या भाषा का अर्जन प्रयास पर्यंत होता है, प्रयास के बाद भाषा आती है। भाषा अधिगम जो होता है द्वितीय भाषा है, अनौपचारिक है, विद्यालय द्वारा सीखी जाती है। अब साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुभाषिकता,
क्या होता है बहुवाचकता। और फ्रेंड्स सेम टू सेम ये लाइन लिखी यदि आपको आ जाए तो समझ जाना ये बहुवाचकता का प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है बहुवाचकता। भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम महत्वपूर्णम संसाधनम अस्ति। भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम अस्ति, मतलब कि भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यदि लिख के आ जाए तो बहुभाषिकता आंसर में होगा। साथ ही साथ साथियों बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है, जो बहुभाषिकता है उससे संज्ञानात्मक विकास होता है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखन से क्या तात्पर्य है भाइयों और बहनों, उत्कृष्ट लेखनम से तात्पर्य है व्याकरणम के सुधार से उत्कृष्ट लेखन किया जाता है। व्याकरणम मतलब है संस्कृत की व्याकरण को सुधार करके एक उत्कृष्ट लेख लिखा जा सकता है, उत्कृष्ट लेखन कार्य किया जा सकता है। और साथ ही साथ व्याकरणम को सुधार कर व्याकरणम लिख के आ जाए, व्याकरणेन लिख के आ जाए, व्याकरण लिख के आ जाए, यानी कि मेरा कहने का मतलब है व्याकरण शब्द होगा, शब्द विभक्ति के आधार पर प्रश्न में कुछ ना कुछ संस्कृत में जोड़ दिया जाए। आपको मोटा मोटा याद रखना है कि व्याकरण यदि आ जाए शब्द तो उत्कृष्ट लेखन वाला सही आंसर हो जाएगा। सुधार से उत्कृष्ट लेखन में शुद्धता आती है, आती है, गलत शुद्धि लिख रखी है व्याकरण की लाइन में, व्याकरण ही अशुद्धि हो गई, कोई बात नहीं। विकल्प देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आया है कि भाषा विकास। भाषा विकास एक नेक्स्ट टॉपिक आया है। भाषा का विकास किस तरीके से होता है, देखिए आप खुद सोचिए कि भाषा का विकास आप किस तरीके से करते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हैं फ्रेंड्स संस्कृत पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाषा विकास किस तरीके से भाषा का विकास होता है, अभिव्यक्ति द्वारा, भाषा के प्रयोग द्वारा या अवसर द्वारा, तीनों के द्वारा होता है। देखिए यदि मैं इस टाइम आपको संस्कृत पर पैडागोजी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, हमारी अभिव्यक्ति की विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है। साथ ही साथ भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, इससे भी भाषा का विकास हो रहा है। और आपको मैं अवसर दे रहा हूँ तो भाषा द्वारा विकास का अवसर की अवसर द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, लिख के आएगा अभिव्यक्ति द्वारा भाषा का विकास होता है, आपका हाँ होता है। भाषा प्रयोग द्वारा आप कहोगे हाँ होता है, अवसर द्वारा हाँ होता है। यदि इतना लिखा आ जाए आप समझ जाइएगा यही आपका राइट आंसर है। अब बात आती अधिगम अक्षमता। फ्रेंड्स जैसा कि CDP में, हिंदी में और EVS में कहीं भी आपको अधिगम अक्षमता प्रश्न में लिखा आ जाए तो अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, उसम्बलिया, अप्रेक्सिया, डिस्पेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया सारी होती हैं, लेकिन संस्कृत में मेरे भाई कुल चार ही इसमें होती हैं। डिसलेक्सिया इसमें डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया जो होती है मैं पढ़ने संबंधी विकार, और एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, लेक्सिया अगर लिखा आ जाए, चाहे आ लिखा है चाहे डिस लगा है, आप समझ जाना पढ़ने संबंधी विकार है। और डिसग्राफिया लिखा आ जाए, ग्राफिया लिखा आ जाए, ग्राफ से समझिएगा ग्राफिया, तो ग्राफिया लिखा आ जाए तो आप समझिएगा लिखने संबंधी विकार हो, चाहे अग्रेफिया आ जाए चाहे डिस्ग्रेफिया आ जाए। और कैलकुलिया जहाँ लिखा आ जाए आप समझिएगा गणित संबंधी विकार है, चाहे डिस लगा आ जाए चाहे आ लिखा आ जाए, दोनों का अर्थ होगा गणित संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया और अलेक्सिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कथा कथनम, कि कथा कथनम से क्या अभिप्राय है संस्कृत में, किस तरीके से संस्कृत पैडागोजी में आपसे कथा कथनम टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा के समग्र रूपम की प्रस्तुति बालक को मिलती, कथा कथनम से क्या होता है, भाषा के समग्र रूपम की प्रस्तुति बालक को मिलती है,
एक बात हो गई, और संस्कृति को जानने का, उसकी संस्कृति समाज को जानने का अवसर मिलता है किससे, कहानी कथन से। कथा कथनम का अर्थ है कहानी कथनम से। और कविता का क्या प्रयोजन से है, जहाँ भी लिखा आ जाए आनंदानुभूति, कहीं भी विकल्प में आपको प्यारे भाई प्यारी बहनों, यदि आपको कविता प्रयोजन से लिखा कहीं भी आ जाए और आंसर में लिखा आनंदानुभूति, तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। अब बात करते हैं कि भाषा प्राथमिक रूपम, तो भाषा का क्या प्राथमिक रूप है, आप खुद जानते हैं संकेत भाषा। सबसे पहले भाषा कहाँ से सीखी जाती है, संकेत द्वारा। संकेत भाषा प्राथमिक रूपम संकेता भाषाया अस्ति, राइट आंसर आपका यही होगा और यही लिख के डायरेक्ट आएगा। मैं वो टॉपिक्स, ये सारा एक्सपीरियंस है 2011 से 19 तक के सॉल्व पेपर का, कई सारे प्रैक्टिस सेट का, सब निचोड़ के आपके लिए लाया हूँ। इस सब को पढ़ के जाइएगा भैया, बहुत हेल्प मिलेगी। और अभिव्याप्त कक्षा क्या होता है, अभिव्याप्त कक्षाया क्या होता है, तो प्यारे साथियों अभिव्याप्त कक्षा जो होती है, अभिव्याप्त कक्षाया का अर्थ समावेशी कक्षा। और समावेशी कक्षा के बारे में आप विस्तृत से जानते हैं, समावेशी कक्षा वह कक्षा होती, व्यवस्था होती है जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा, निश्चित विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के बालकों को, विशिष्ट बालकों को, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़ा, शोषित, वंचित, किसी भी प्रकार के अधिगम अक्षम बालक को एक साथ एक विद्यालय में, एक कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा कहलाती है। और संस्कृत में इसका नाम है अभिव्याप्त कक्षाया, इसका नाम है। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीख लिया है संस्कृत पैडागोजी के सारे टॉपिक। अब साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संस्कृत पैडागोजी के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, जिसको देख के आप डायरेक्ट हिट करेंगे प्रश्न पे, प्रश्न देखेंगे और आपका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा उन विकल्प को देख के। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वह बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा या उस लाइव आऊंगा तो आपको सबसे पहले वह नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन दबाइए, एक अच्छा सा और बढ़िया सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।